तो एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि देख रहे हैं, मेरा टंकी का ये जो ढक्कन है वो काफ़ी जाम हो गया है, वो खुल नहीं रहा था, तो उसे मैं ज़बरदस्ती कैसे भी करके एक दिन तेल लगा के छोड़ दिया था और वो अभी दूसरा दिन खुल गया है। तो इसे रिपेयर करना काफ़ी ईजी है और इसे चेंज करवाने से अच्छा आप खुद से ही घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये अंदर का दो नट खोलना पड़ेगा, वो मैं खोल के रख दिया हूँ। यहाँ पे जो दो नट रहता है कुछ इस तरीके से खोल के रखना पड़ता है, ये सारा चीज़ मैं खोल दिया हूँ। इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, वो चीज़ भी आप निकाल लीजिए और सब चीज़ साइड में रख दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास इतना सारा चीज़, ये चीज़ सबसे पहले ये पेपर क्राफ्ट होता है, फिर ये फाइबर का होता है, फिर पेपर क्राफ्ट होता है, एक फाइबर का होता है, फिर रबड़ का होता है। ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, ये चीज़ डालने में मिस्टेक मत कीजिएगा। और ये सारा स्प्रिंग वगैरह सारा चीज़ निकाल लीजिएगा। और मेन हम लोग का जो लॉक करता है वो ये चीज़ होता है। तो इसे हम लोग अभी सबसे पहले इसे अच्छे से धोएंगे और ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ खोल लेने के बाद, जैसा कि ये देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करना पड़ता है। मैं बगल वाले दुकान से मैं एक चम्मच पे ग्रीस थोड़ा सा लेके आ गया हूँ। तो इसे सबसे पहले हम लोग ग्रीसिंग करेंगे, अच्छा से इसमें ग्रीस लगाएंगे ताकि इसमें ये जाम ना हो। इसमें ग्रीस लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिन पुराना होने के बाद इसका ग्रीस है वो सूख जाता है। तो बस वही इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है। ये सारा चीज़ में ग्रीसिंग करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिन होने के बाद हर चीज़ सूखने लगता है। तो इसे ग्रीसिंग करके मैं साइड रख दिया। सारा चीज़ को ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसे भी ग्रीसिंग कर देता हूँ। अंदर का एक पार्ट आता है, ये चीज़ भी हमें खोल के रखना पड़ता है। इसके अंदर काफ़ी गंदगी है, वो हमें अच्छे से साफ करना पड़ेगा और इसे भी ग्रीसिंग करना पड़ेगा। ऐसा देख रहे हैं ये काफ़ी गंदा हो गया है, इसका ग्रीस ना काफ़ी सूख चुका है। वो चीज़ मैं चाकू के मदद से वो चीज़ निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना पड़ेगा। मैं इसे भी चाकू की मदद से अच्छे से साफ कर रहा हूँ। काफ़ी गंदा हो गया है, ये सूख चुका है। यहाँ दिखाओ, oh।
फाइनली गाइस हम लोग का ये टंकी लॉक और अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही था, वैसे कुछ नहीं था। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।